अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिदा फरान और आज रमज़ान स्पेशल में मैं बना रही हूँ चिकन स्लाइडर्स। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 4 कप मैदा, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क, 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 एग, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक और हसबे ज़रूरत नीम गर्म पानी। अब हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, ईस्ट, मिल्क पाउडर, ऑयल, 1 एग, चीनी और नमक। हसबे ज़रूरत नीम गर्म पानी से हम इसको मैं जो पाव इस्तेमाल कर रही हूँ वो घर के बने इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप बाहर के भी ले सकते हैं, जिसे हम पाव कहते हैं। मैं घर पे आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें, अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप कपड़ा रख के उसको किसी गर्म जगह पे रख के इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप चिकन शेक एक बॉयल। मैंने इसको सिर्फ नमक डाल के बॉयल करके शेक कर लिया था। 1 चॉप प्याज, 2 टेबल स्पून धनिया लीव्स, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 मीडियम शिमला मिर्च को भी मैंने हाथों से छोटा छोटा काट लिया, 1 छोटी प्याली मायोनीज, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच नमक, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर। अच्छा, नमक मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी, तो आप अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिए। 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, इसमें प्याज डाल देंगे और हल्का से फ्राई करेंगे। प्याज को यहाँ पे हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शेडेड चिकन डाल देंगे। तो 5 मिनट तक हम चूल्हे पे रहने देंगे। फिलिंग हमारे यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को करूंगी ऑफ और जो मायोनीज था वो हम डाल देंगे। मायोनीज, अब जब मायोनीज को फ्लेम ऑफ करने के बाद डालेंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिलिंग तैयार हो गई है, अब हम स्टफिंग करेंगे। 2 हमारा राइस हो चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो हमारी बेकिंग डिश है उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो मक्खन से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे गोल बन टाइप के बनाएंगे। इस तरीके से हम गोल पेड़े बना लेंगे। अच्छा,
अब हम मज़ीद आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये प्रूफ हो जाए और अपनी मतलब साइज़ है वो डबल हो जाए। इसका रीज़न ये है आधे घंटे के लिए फिर से रखने का, क्योंकि जो बन में जो जाल आता है ना वो इसी वजह से आएगा। तो हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए कवर करके किसी भी गर्म जगह पे और फिर इसको हम बेक करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब ये देखें ये जो साइज़ हमने रखी थी इसकी डबल साइज़ हो गई है, इतनी अच्छी तरीके से राइज हो गया है। अब मैं इस पर कुछ भी नहीं लगाऊंगी, सिंपल जो मैंने 15 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट कर लिया था अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ओवन में डालूंगी, इसके बाद फिर हम इसमें स्टफिंग करेंगे। अभी मैं इसमें अंडा वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, बन हमारे यहाँ पे बेक हो चुके हैं, मैंने इसको 20 मिनट बेक किया था, फिर इसको निकाल के इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया किसी भी कपड़े से। तो हमारे जो लेयर देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए। इस तरीके से हम बन को हाफ करके नीचे की लेयर को पहले इसी में लगाएंगे जिसमें आपको बेक करना है। अब सबसे पहले मैं इसमें केचप डालूंगी। चेडर चीज़, आप चाहे तो स्लाइसेस भी रख सकते हैं चेडर चीज़ के। डालेंगे फिलिंग जो हमने तैयार की थी। अब हम डालेंगे मोज़ेला चीज, स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पे अंडा लगा लेंगे ऊपर सही तरीके से। कोश करने के बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी कलौंजी डाल देंगे। इस तरीके से मैं सब में कलौंजी डाल दूंगी और अब इसको 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जी व्यूअर, चिकन स्लाइडर्स हमारे यहाँ पे तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको टाइमली अप